हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्या होता है ये फियर, किस तरह से हम डर जाते हैं और इसके डरने से क्या इफेक्ट होते हैं, किस तरह से हम उसे ओवरकम करें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास भी फियर होगा कि पढ़ाई कैसे करें, बिजनेसमैन हैं तो आपके पास भी एक फियर होगा कि किस तरह से हम अपने आप को ग्रो करेंगे और जो भी ये फियर्स हैं इन फियर से कैसे निपटा जाए। यदि आपके पास भी कोई फियर है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसमें हम आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे और आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक, नई लेवल तक ले जा पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप अपने जीवन को और सक्षम और बेहतर और सुंदर बनाते रहें। चलिए इसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि फियर है क्या। फियर अपने आप में ही एक वो सिचुएशन है, वो इमोशनल स्टेट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ सिर्फ हमारे थॉट्स प्रोसेस में एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, बाय बर्थ हमारे पास तीन फियर होते हैं। पहला होता है फियर ऑफ फॉलिंग, ऊंचाई से गिरने का डर। दूसरा होता है फियर ऑफ साउंड, तेज आवाज का डर। और तीसरा होता है फियर ऑफ अननोन, अनजाने का डर। देखिए, चलो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे जब कभी उतरेंगे तो वो अपने पैर नीचे लटका के उतरने की कोशिश करेंगे और जब तक उसका पैर ना टिक जाए तब तक वो कोशिश करते रहेंगे। अगर उसका पैर नहीं टिकता है तो वो चिल्लाएंगे और फिर अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को चिल्ला करके बुलाएंगे और वो उसको पकड़ेगा तब उतरेंगे, क्योंकि उसको गिरने का डर रहता है, गिर ना जाऊं कहीं। दूसरा होता है साउंड का डर। आपको भी आपने देखा भी होगा आपके चारों तरफ बहुत से लोगों को भी, जब आप छोटे थे, बचपन में थे, जब अचानक आपके पास कोई आवाज आती थी, अचानक कोई छुप करके आपको डराता था तो आप डर जाते थे, वो होता है साउंड का डर। तीसरा होता है फियर ऑफ अननोन, अनजाने का डर। देखिए, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। सपोज कीजिएगा आपके घर पे एक रात को 10 बजे कोई व्यक्ति आके आपके घर का नॉक करता है, टक टक टक, तो क्या आप अपना घर का दरवाजा खोलेंगे? शायद नहीं। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि आप उसको जानते नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको ये कहे कि वो आपके फादर का के फ्रेंड का लड़का है और आप अपने फादर से बताते हैं, तो जब आप ये बताते हैं आपका फादर कहता है हाँ मैंने उससे कहा था आने के लिए, वो यहाँ रुकेगा, आने दीजिए उसको, और आप उस वक्त दरवाजा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो फियर ऑफ अननोन था वो खत्म हो गया है, आप किसी रेफरेंस के थ्रू उस व्यक्ति को जानने लगे हैं। तो जब आप उस व्यक्ति को जानने लगते हैं तो आपका फियर ऑफ अननोन खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों, हम छोटे छोटे फियर से लगातार घिरे रहते हैं। सबसे बड़ा फियर हमें फियर ऑफ अननोन है, जो हमें लाइफ टाइम तंग करता रहता है, जो हमें लाइफ टाइम परेशान करता रहता है। आज अगर स्टूडेंट्स हैं, फियर ऑफ अननोन में किस तरह से क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे वो पता नहीं, किस तरह से मेरी लाइफ होगी वो मुझे पता नहीं। तो फियर ऑफ अननोन है वो हमेशा लोगों पर हावी रहता है, हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनाए रखता है लोगों के दिमाग में कि ये फियर ऑफ अननोन। तो ये फियर ऑफ अननोन को कैसे सुलटा जा सकता है? क्या है फियर? एक्चुअल फियर जो भी है वो एक नॉन रियलिस्टिक चीजें हैं, एक्चुअल वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर मैं आपसे बताऊं, फियर जब भी हमें आ रहा है तो हमारी सेंसेशन बढ़ जाती है, हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि इस तरह से फाइट करेगा। और अगर आप उसे फाइट नहीं कर पाते हैं तो आपका वही फियर आपको एक डिप्रेशन की स्टेट में लेके चला जाता है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स को उतना ही फियर है कि बच्चे फेल हो गए तो बच्चों ने ये नहीं किया तो बच्चों ने वो नहीं किया। आज सबसे बड़ा फियर यही है कि आपके पास एक अनसर्टेनिटी है, कोई भी निश्चितता नहीं है कि चीजें होंगी, तो उसे हम फियर ऑफ अननोन की तरह लेते हैं। तो फियर ऑफ अननोन को मैक्सिमम अच्छे तरीके से हम कैसे हैंडल करें, उसको हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम उसके बारे में रियलाइज करें कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी ट्रूथनेस कितनी है, क्या ये यूनिवर्सल सत्य है, क्या वैल्यू है इसकी। एक छोटी सा एग्जांपल से हम समझते हैं, स्टूडेंट अगर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हीं से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेता हूं।
देखिए ये जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स का एक फोबिया है, एक फियर है उनके पास में कि भाई वो पढ़ाई कर रहे हैं तो किस लेवल तक पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अगर वो ये चीज नहीं कर पाए तो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं कि एक्चुअल में आप रियलाइज कीजिएगा वो गोल डिजर्व करता है, उतना हार्डवर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप उस चीज को अचीव भी कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स के पास डर होता है कि सर कंपटीशन ज्यादा है। भाई हाँ कंपटीशन ज्यादा है, वो कंपटीशन एक तरह से आपको निखार भी तो रहा है, आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो निखर के आ रहे हैं, फिर डर किस चीज का है। देखिए एक छोटी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूं, आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर के और अगर आपको कुछ देर चलने के बाद में आपकी गाड़ी हीट होने लगती है, गर्म होने लगती है, आपका इंडिकेटर आपको गर्मी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो क्या आप अपनी गाड़ी को देखकर वहीं बैठे बैठे परेशान होते रहेंगे या उसको किसी नजदीक गैराज में ले जाकर मैकेनिक को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे? क्या सोचते हैं आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि क्या होगा आपका एक्शन अगर आपकी गाड़ी का दिखाती है कि वो हीट हो रही है, तो क्या आप बैठ करके वहीं पे अपने आप को उसको कोसने लगेंगे या फिर आप उसको गैराज में ले जाएंगे? जी हाँ, मैक्सिमम लोग ले जाएंगे उसको वहां से गैराज तक ले जाएंगे, गैराज में मैकेनिक को दिखाएंगे और मैकेनिक से उसको फिक्स करवाएंगे जो उसकी प्रॉब्लम थी और उसके बाद में आगे सफर पे चल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भी डर इसी तरह से है, किसी भी चीज का अगर डर आपके इसमें आया हुआ है तो उसको फिक्स कीजिए, उसको रिजोल्व कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब बात आती है कि सर कि डर जब भी हमें आता है, जब भी हम किसी भी चीज से डरते हैं, सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में आते हैं डरने की में, तो हम पाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कम हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो इस तरह से हम हर बार अपने आप से अपने गोल से अलग होते जाते हैं, इसलिए हमें जरूरत है उस गाड़ी की तरह ही इस डर का रिपेयर करना और हमें आगे बढ़ना। जैसे हम आगे बढ़ने लगेंगे तो हम अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के पीछे सवाल आए थे कि सर लोग क्या कहेंगे, ये डर रहता है। जी हाँ, आपके पास रहता है डर, अगर आप फेल होंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक बार ये सोच के देखिएगा लोग जब वो लोग कहेंगे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। भाई आप उस व्यक्ति से क्यों डर रहे हो जिसने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, जिसने अगर वो कंपटीशन एग्जाम दिया हुआ है वो आपसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसको पता है उस कंपटीशन एग्जाम की टफनेस क्या है, वो आपसे कभी नहीं कहेगा। कहेगा कौन? जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है वो तो सलाह ही देगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ आई डिडंट सक्सीड, एक बहुत बेहतरीन लाइन याद आती है मेरे को जो हमें अमूमन मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताई थी, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान है जग में, वो तिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों हकीकत में फेल वही होगा जिसने ट्राई किया है, भाई जिसने ट्राई नहीं किया फेल क्या होगा। तो आप कम से कम इतने कैपेबल तो हो कि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो और आप उसमें कंपटीशन दे रहे हो सामने वाले को। दोस्तों आप अपने आप से ये चीज सोच के चलिएगा, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी तरफ से अपना अल्टीमेट दो, फेल और पास होना सेकेंडरी इश्यू है, उसको लेकर के अगर आप अभी उस चीज को लेकर के बैठ जाओगे एग्जाम से पहले उस फोबिया को लेकर बैठे रहोगे तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे और फिर अपने आप को कोसोगे। इसलिए आप इस चीज को भी फिक्स कीजिएगा कि भाई आपने कुछ किया है तो ही तो आप सक्सेसफुल हो रहे हो ना या अनसक्सेसफुल हो रहे हो। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो तो उस चीज से एक लर्निंग लीजिएगा, उसे एक सिखलाई लीजिएगा कि भाई मैंने क्या सीखा इससे ताकि मैं अगली बार अपना और बेस्ट दे पाऊं। जब आप इन चीजों पर फोकस करोगे तो आप एक और प्रोडक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ोगे और आपका ये फियर दूर होगा। एक सवाल और आता है स्टूडेंट की तरफ से, व्हाट इफ माय फ्रेंड कैन सक्सीड, अगर मेरा दोस्त पास हो जाता है और मैं फेल हो जाऊं तो क्या? अरे भाई एक बार फिर सोच के देखिएगा, इसको भी फिक्स कीजिएगा कि भाई पास वो होगा जो उतनी मेहनत करेगा जितना वो एग्जाम डिजर्व करता है। अगर आपका दोस्त उतना डिजर्व करता है तो वो पास होगा और आप डिजर्व करते हो तो आप पास होगे। तो अब सवाल ये बनता है कि क्यों ना आप उस बात पे फोकस करके कि भाई वो मेरा दोस्त पास हो गया तो उस बात पे फोकस ना करके अपने आप को डिजर्विंग बनाने में फोकस कीजिए ना।
आप पीसफुली शांति से बैठ करके अगर अपने काम पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी सफल होंगे, आप भी डिजर्विंग बनेंगे, अपने आप को डिजर्विंग बनाने पे फोकस। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे को कि सर बहुत टफ गोल है मेरा, कितना बड़ा लक्ष्य है आपका? जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी बड़ी आपको बेनिफिट भी मिलना है, उतना बड़ा गिफ्ट भी मिलना है। जब आपका गोल चांद सितारों को छूने का है कि आपको प्रिपेयर उसी लेवल पे करना होगा, आपको अपनी मेहनत भी उसी लेवल पे करनी होगी, और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपको मजा भी उतना ही आएगा, आप इंजॉयमेंट भी उतना ही करोगे, आपको रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलेगी। तो इसके लिए आप चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपने गोल को चंक डाउन करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके साथ में कंसिस्टेंट मेहनत करो, लगातार मेहनत करो और हर रोज के गोल को अचीव करो। आज का गोल आपका क्या है उस गोल को अचीव करो। आप अपना हर रोज का गोल आपने बनाया कि आज आपको दो चैप्टर याद करने हैं, आज आपने एक चैप्टर याद करना है और उसको करिए। शाम तक अपने गोल को कितना परसेंट आपने अचीव किया है उस पे आप लेवल लगाइए। जितना परसेंट आप डेली के गोल को अचीव कर रहे हैं उतना ही परसेंट आप फाइनल गोल को अचीव कर पाएंगे। तो गोल बड़ा है या टफ है ये आपके लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि आप अपने हर रोज के गोल को कितना परसेंट अचीव कर रहे हैं। यदि आप अपने गोल को 100% अचीव कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% सिलेक्ट होने में, 100% अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों जब आप इस चीज का सामना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आप डर का सामना करेंगे तो डर दूर भागेगा। दोस्तों डर तब तक है जब तक आप उसका सामना नहीं करते, डर तब तक है जब तक आप उसको फेस नहीं कर लेते। जब आप उसको जान लेते हैं तो आपको डर लगना बंद हो जाता है। आप जब तक उसको नहीं जानते हो तब तक डरते हो, अननोन का आपको फियर होता है। कि जीवन में जब डर खत्म होता है तभी लाइफ शुरू होती है। तो दोस्तों आज इसी लाइन के साथ हम खत्म करते हैं कि जितना डरोगे डर उतना ही डराएगा, जितना डरोगे डर उतना ही डराएगा, अगर करोगे सामना तो डर खुद भाग जाएगा, तो डर खुद भाग जाएगा। तो दोस्तों आज की सेशन में इतना ही कि आज से आप अपने डर का सामना करना शुरू करें, डर के बारे में जानना शुरू करें। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है जब आप इन टेक्निक्स को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो ना केवल अपने जीवन को सफल बना पाओगे बल्कि आप अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए एक बेहतरीन एसेट्स बनोगे। लोग आपके बारे में बात करने में प्राउड फील करेंगे, लोग आपको अपना बताने में प्राउड फील करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको कोई सवाल होता है वो भी मुझे आप बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मैं कवर कर पाऊं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।